हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास कई भाई बहनों के क्वेश्चंस आए जिनमें वो पूछ रहे हैं कि यदि पेट में कीड़े हैं तो इसकी पहचान के लक्षण या संकेत या निशानी क्या होती है, या कैसे पता किया जाए कि पेट में आंत में कीड़े हैं या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें, पेट में जो कीड़े होते हैं उन्हें परजीवी कीड़े कहा जाता है, यानी कि जो अपना भोजन, अपना पोषण आपके पेट से, आपकी आंतों से प्राप्त करते हैं और अपना जीवन जीते हैं। दोस्तों, पेट में कीड़े कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, हुक वर्म्स या फिर आदि कई प्रकार के होते हैं, और कीड़ों के प्रकार के आधार पर ही आपको लक्षण महसूस होते हैं। यदि लक्षणों की बात करें तो यदि पेट में आपके कीड़े हैं, परजीवी कीड़े हैं, तो ऐसे में आपको पेट दर्द की समस्या बार बार आती है। आपको बार बार पेट में बिना किसी कारण के घर का स्वस्थ भोजन खाने के बावजूद भी पेट में दर्द, मरोड़ की समस्या बार बार आने लगती है। पेट में कीड़े का दर्द जो होता है वो रुक रुक कर आता है। पेट में कीड़ों के कारण होने वाला दर्द आपके पेट के नीचे की तरफ अधिक महसूस होता है। पेट में कीड़े होने पर चुभन महसूस होती है, पेट के अंदर आपको खुजली जैसा लगता है, जैसा कि आपके पेट के अंदर खुजली हो रही हो। दोस्तों, यदि आपके छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हों तो आपको कुछ विशेष लक्षणों पर ध्यान देना होता है। जब बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं तो उनको सही पोषण नहीं मिल पाता, इसलिए बच्चों में विशेष लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा नींद में रहता है, आलस में रहता है और जगने पर भी थका हुआ महसूस होता है। यदि बच्चे के पेट में पिन वॉर्म हो तो ऐसे में रात के समय बच्चे को गुदा में बहुत तेज खुजली होती है, बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है। इसके अलावा पेट में कीड़े होने पर बच्चे सोते समय रात को दांत कटकटाते हैं, घिसते हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं या नहीं। दोस्तों, आप बाहर का नहीं खाते, घर का स्वस्थ भोजन, साफ भोजन करते हैं, इसके बावजूद आपको बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी की शिकायत रहती है, तो ऐसा शरीर में, पेट में कीड़े होने के कारण भी हो सकता है। जब आपके पेट में कीड़े होते हैं तब आपको सही तरह से पोषण नहीं मिल पाता, जिसके कारण थकावट और कमजोरी के लक्षण आपको बार बार महसूस होते हैं। तो दोस्तों, यदि पेट में दर्द के साथ बहुत ज़्यादा थकावट और कमजोरी हो रही है तो ऐसे लक्षण पेट में कीड़े होने के कारण भी आ सकते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोगों में ऐसे भी लक्षण दिखाई देते हैं कि पेट के कीड़े उनके लंग्स यानी कि फेफड़ों में पहुंचकर इरिटेशन पैदा करते हैं, जिसके कारण आपको बिना किसी कारण के सूखी खांसी की समस्या रहती है। दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगने लगना अचानक से, या भूख का एकदम से मर जाना या भूख ना लगना, ऐसे लक्षण भी आपको पेट में कीड़े हों तो दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा यदि पेट में कीड़े हों तो आपको दूसरे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे पेट में दर्द रहना जो कि कॉमन लक्षण है। इसके अलावा उल्टी, दस्त होना, जी मिचलाते रहना, पेट में कीड़े होने के कारण शरीर को सही पोषण ना मिलने के कारण थकावट, कमजोरी के अलावा अचानक से वजन में कमी आने लगना, वजन का कम होने लगना, मल के साथ खून आना या मवाद जैसा पदार्थ निकलना, शरीर में खून की कमी भी पेट में कीड़े होने के कारण पैदा हो सकती है, जिसके कारण आपको अनीमिया की शिकायत हो सकती है। कुछ कीड़े दिमाग तक भी पहुंच जाते हैं, जैसे कि टेप वॉर्म, जो कि सुअर का अधपका या कच्चा मांस खाने से आ सकते हैं शरीर में। ऐसे में आपको सर में दर्द, भारीपन, बुखार या त्वचा से जुड़ी एलर्जी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसी प्रकार हुक वॉर्म की इन्फेक्शन है आपके पेट के अंदर, तो आपको त्वचा संबंधी शिकायतें, जैसे त्वचा पर खुजली या चकते बनना, साथ में अनीमिया की शिकायत हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे लक्षण यदि आपको दिखाई देते हैं अपने में या अपने बच्चों में, तो आपको तुरंत पेट के डॉक्टर के पास जाकर अपनी जाँच करवानी चाहिए। आमतौर पर डॉक्टर आपके मल की जाँच करता है, आमतौर पर मल की जांच से ही कीड़ों का पता चल जाता है, लेकिन डॉक्टर आपको दूसरी जांच करवाने की भी सलाह दे सकता है, जैसे MRI, एक्सरे। इसके अलावा आपकी एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी भी हो सकती है। दोस्तों, पेट में कीड़े या आंत में कीड़े होने की समस्या के इलाज के लिए डॉक्टर आपको पेट में कीड़े मारने वाली दवा देता है, जैसे एल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल। ऐसी जो दवा होती है वो आपके पेट में कीड़ों को मारकर शरीर से बाहर कर देती है। दोस्तों, यदि आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं या बाहर का पानी अधिक पीते हैं, तो ऐसे में आपको हर 6 महीने साल में एक बार पेट में कीड़े मारने वाली दवा का कोर्स करना होता है या डोज लेनी होती है।
ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कहा है, यदि आपको पेट में बार बार कीड़े होने की समस्या आती है तो ऐसे में आपको बाहर का दूषित पानी या खाना खाने से परहेज करना चाहिए। नाखून हमेशा छोटे रखने चाहिए और हाथों की या शरीर की साफ सफाई का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको घर से बाहर मीट नहीं खाना, मीट खाने से परहेज रखना है। हमेशा घर पर अच्छी तरह पका हुआ ही मीट का सेवन करें। फल सब्जियां, खास तौर पर सब्जियों को अच्छी तरह धोकर उबालकर ही इस्तेमाल में लें। हमेशा फिल्टर्ड या उबला हुआ पानी का ही सेवन करें। और यदि घर से बाहर हैं तो अपने साथ बोतल रखिए, बाहर का पानी पीने से परहेज करें। तो दोस्तों, पेट के कीड़े को मारने का सबसे अच्छा इलाज है कि डॉक्टर से जाकर दवा लेना पेट में कीड़े मारने की। खासकर आपको वैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो कि हमने वीडियो में बताए। दोस्तों, पेट के कीड़ों के इलाज और दवा से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे आप पहले के वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।